नमस्कार। केंद्र की एनडीए सरकार ने एक वर्ष पूरा कर लिया है। विपक्ष की तीखी आलोचनाओं के बावजूद देश के लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू अभी बरकरार है। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी का कार्यकाल हो या केंद्र का भूमि अधिग्रहण बिल या फिर महंगाई का मामला हो, ज्यादातर लोगों ने मोदी सरकार के पक्ष में ही अपनी राय जाहिर की है। आइए जानते हैं क्या कहता है वेब दुनिया सर्वेक्षण। वेब दुनिया ने केंद्र की मोदी सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल पर ऑनलाइन सर्वेक्षण के माध्यम से अपने पाठकों की राय जानी थी। करीब 64% पाठकों ने अपनी राय में बताया कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी का एक वर्ष का कार्यकाल अच्छा रहा। 25% ने इसे सामान्य बताया, जबकि 10% ने खराब। मोदी सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल की तीखी आलोचना हो रही है, लेकिन जब वेब दुनिया के पाठकों से पूछा गया कि क्या केंद्र सरकार का भूमि अधिग्रहण बिल किसान विरोधी है, तो आधे से ज्यादा यानी करीब 53% लोगों ने इसे किसान हितैषी बताया। हालांकि 25% ने इसे किसान विरोधी भी बताया, जबकि 23% ने इस बारे में कोई राय जाहिर नहीं की। महंगाई के मुद्दे पर भी 56% लोगों ने माना कि एनडीए सरकार आने के बाद महंगाई घटी है, हालांकि 29% लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते। अपनी लगातार जारी विदेश यात्राओं के कारण भी मोदी आलोचकों के निशाने पर हैं, लेकिन वेब दुनिया के 84% पाठक मानते हैं कि मोदी की विदेश यात्राएं सही हैं, मात्र 12% ही इन्हें गलत मानते हैं। यदि विदेश नीति की बात करें तो यहां भी लोगों ने एनडीए सरकार को गलत नहीं माना है। ज्यादातर लोगों यानी 78% का मानना है कि केंद्र सरकार की विदेश नीति सही है, मात्र 13% ने इसे गलत बताया, जबकि 8% ने इस बारे में कोई राय जाहिर नहीं की। पाकिस्तान और चीन को लेकर मोदी सरकार के रुख को भी 74% लोगों ने सही ठहराया। केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के साथ ही उस पर आरोप लगने लगे थे कि यह सरकार उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है, लेकिन सर्वेक्षण के परिणाम इससे उलट दिखे। करीब 61% लोगों का मानना है कि मोदी सरकार पर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के आरोप गलत हैं, हालांकि 32% के करीब लोग इन आरोपों को सही भी मानते हैं। जब पूर्ववर्ती यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह से तुलना की बात आई तो करीब 80% लोगों ने माना कि मोदी पूर्व प्रधानमंत्री सिंह की तुलना में सफल रहे हैं, जबकि 17% लोगों ने इससे इनकार किया। करीब 78% लोगों का मत है कि नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से देश में साफ सफाई को बढ़ावा मिला है, जबकि 18% लोग ऐसा नहीं मानते। मोदी पर लगने वाले तानाशाही के आरोपों को 79% लोग गलत मानते हैं, जबकि 25% लोग मानते हैं कि मोदी तानाशाह हैं। इस बारे में 6% लोग कोई राय जाहिर नहीं करते।